राम, तुम इन लोगों की वजह से परेशान हो बेटा, दे नॉट योर स्टैंडर्ड। कहाँ तुम इतने बड़े घर की बेटी और कहाँ वो दो टके की लड़की। मामा आप बात समझ नहीं रही हैं। सलार उस लड़की में इंटरेस्टेड है, वरना मैं उस लड़की को मुंह भी ना लगाऊं। देखो इरम, मुझे पता है तुम्हें सालार पसंद है बेटा, इवन ही इज नॉट योर स्टैंडर्ड। एक से एक बड़ा रिश्ता है तुम्हारे लिए। इस सिटी के सारे बड़े बिजनेसमैन हमसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, किसी से भी शादी कर लेना, सालार इज नॉट इम्पोर्टेंट। मामा सलार आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके बेटा, लेट्स वेट एंड वॉच। ओके, मैं वेट नहीं कर सकती मामा, मुझे उस लड़की को कॉलेज से निकलवाना है। हाँ ठीक है, वो टॉपर है, इतना आसान काम नहीं है, बट प्लीज आप कुछ करें। देखो इरम, ये बिल्कुल कीचड़ में पत्थर फेंकने के जैसा है। जस्ट लेट हर बी। ओके, देखो मैंने तुम्हें कॉलेज इसलिए भेजा था ताकि तुम्हारे नाम के साथ डॉक्टर लग जाए। यू नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस, सिर्फ डिग्री चाहिए और वो तो तुम बगैर पढ़े भी ले सकते हो, राइट? मामा लेकिन इरम प्लीज जस्ट लीव दिस। देखो ये जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना, इनको बड़े लोगों के साथ नाम जोड़ने का बहुत शौक होता है। आई कांट अफोर्ड अ स्कैंडल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटा इफ यू फीलिंग स्ट्रेस्ड एंड टेंस, तुम मामू के पास आने चली जाओ, यू फील बेटर। नहीं मामा, आई एम फाइन हियर। आई हैव टू टेक दिस कॉल राइट नाउ। ओके, आई बी राइट बैक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। यस यस जी जी जी, आई वॉज अबाउट टू फिट यू इन। लगता है मुझे खुद ही कुछ करना होगा।